बढ़ती महंगाई में रेलवे ने भी ट्रेनों का किराया बढ़ा दिया है। सभी पैसेंजर ट्रेन में अब मेल एक्सप्रेस का किराया किया जाएगा वसूल। जहां पर इंदौर महू के लिए 10 की बजाय देने होंगे 30 रुपए, वहीं इंदौर से रतलाम के लिए अब देने होंगे 30 की जगह 60 रुपए। पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई और कोरोना महामारी के बाद आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लगा है। दरअसल रेलवे मंत्रालय द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें लोकल ट्रेनों के किराए में 3 गुना वृद्धि कर दी गई है। और इंदौर PRO जितेंद्र कुमार जैत ने बताया कि कोरोना वायरस को देखते हुए रेलवे द्वारा अभी स्पेशल ट्रेनों का संचालन ही किया जा रहा है। इंदौर से महू और इंदौर से रतलाम के लिए हाल ही में लोकल ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया है और कोरोना वायरस की गाइडलाइन को देखते हुए रेलवे मंत्रालय द्वारा लोकल ट्रेन के किराए में वृद्धि की गई है। इंदौर से महू जाने वाले यात्रियों को अब 10 रुपये की जगह 30 रुपये किराया देना होगा। वहीं इंदौर से रतलाम की यात्रा करने वाले यात्रियों को 30 रुपये की जगह 60 रुपये किराया देना होगा। गौरतलब है कि पहले से महंगाई की मार झेल रही देश की जनता के ऊपर एक बार फिर लोकल ट्रेनों के किराए के नाम पर की गई बढ़ोतरी का भार पड़ने वाला है।
देखिए, कोविड 19 के कारण जो पहले रेलों का संचालन बंद हुआ, लॉकडाउन खुलने के बाद रेलों का संचालन पुनः शुरू हुआ, लेकिन रेल मंत्रालय जो भी ट्रेन चला रहा है विशेष ट्रेन की तरह चला रहे हैं, विशेष सेवा की तरह। तो जो भी एक्सप्रेस मेल ट्रेन चल रही हैं उसमें तो टोटली रिजर्व वर्थ मिल रही हैं, किसी भी वेटिंग को अलाउ नहीं कर रहे हैं और ना जनरल टिकट को अलाउ कर रहे हैं। रेल प्रशासन ने जो लोकल ट्रेन का संचालन किया है उस ट्रेन के अंदर 6 मार्च से सभी ट्रेनों के अंदर जो अनरिजर्व हैं उसमें जो मेल और एक्सप्रेस का किराया लगेगा वो इसलिए किया गया है कि उसमें जो विशेष ट्रेन चलाई जा रही है इसका मतलब ये है, साथ में जो भी ट्रेनें हैं उसमें जिस तरह का माहौल है उस माहौल को देखते हुए इसको प्लान किया गया है। अब अगर हम बात करें कि डॉक्टर अम्बेडकर नगर से इंदौर की, तो पहले 10 रुपये किराया लगता था, लेकिन मेल और एक्सप्रेस का मिनिमम किराया 30 रुपये है। तो अब डॉक्टर अम्बेडकर नगर से इंदौर का किराया 30 रुपये लगेगा और इंदौर से रतलाम का किराया पहले 30 रुपये लगता था, अब 60 रुपये हो गया है। तो अनरिजर्व जो गाड़ियों में किराया है वो रतलाम तक का इंदौर से 60 रुपये प्रति व्यक्ति लगेगा। तो इस तरह का ये आज से लागू हुआ है और अगले आदेश तक इसको लागू किया गया है। इसमें कुछ सुविधाएं दे रहे हैं पैसेंजर को? देखिए, सुविधाएं तो ये है कि हम लोग ट्रेनों का संचालन कर रहे हैं क्योंकि कोविड 19 का अभी प्रकोप कोई कम नहीं हुआ है और रेलों का संचालन किया जा रहा है, तो हम लोग पूरे हिदायत के साथ में कोविड 19 के नियमों की अनुपालना करते हुए यात्रियों को हिदायत दे रहे हैं कि वो अपनी यात्रा करें और अपने सुरक्षित घर पहुंचे। जितेंद्र कुमार जयंत, वरिष्ठ ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।